आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच में गायकवाड़ ब्रिगेड का राज, चेपक में डुप्लेसिस सेना को दी शिकस्त। शुक्रवार से देश में क्रिकेट के सबसे बड़े त्योहार आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज हो गया। आईपीएल 2024 के ओपनिंग मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से शिकस्त दी। आरसीबी ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 174 रन का लक्ष्य रखा। सीएसके ने 18 ओवर 4 बॉल पर 4 विकेट खोकर यह टारगेट चेज कर लिया। शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने 5वें विकेट के लिए 66 रन की अटूट साझेदारी की और चेन्नई की जीत की नैया पारी लगाई। बता दें कि दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने गुरुवार को चेन्नई की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी। गायकवाड़ की कप्तानी में सीएसके ने पहला मैच खेला और विजय परचम गहरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सीएसके ने सदी हुई शुरुआत की। कप्तान गायकवाड़ और देवुडेन रचिन रविंद्र ने पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। चेन्नई को पहला झटका गायकवाड़ के रूप में गिरा, जिन्हें यश दयाल ने 4वें ओवर में पवेलियन भेजा। न्यूजीलैंड के युवा सनसनी रचिन की तूफानी पारी का अंत 7वें ओवर में कर्ण शर्मा ने किया। अजिंक्य रहाणे का शिकार ग्रीन ने 11वें ओवर में किया। ग्रीन ने 13वें ओवर में डेरिल मिचेल को पवेलियन चलता किया। इससे पहले आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 173 रन जुटाए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट चटकाए। आरसीबी के लिए अनुज रावत और दिनेश कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों ने मुश्किल हालात में 6वें विकेट के लिए 95 रन पार्टनरशिप की और आरसीबी को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। रावत ने 25 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। कार्तिक ने 28 गेंदों में 9 बाद 38 रन जोड़े। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। आरसीबी ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और कप्तान फाफ डुप्लेसी ने तेज तरार शुरुआत की दिलाई। उन्होंने विराट कोहली के साथ पहले विकेट के लिए 41 रन की साझेदारी की। तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर के 5वें ओवर में डुप्लेसी और रजत पाटीदार को अपने जाल में फंसाया। पाटीदार ने एमएस धोनी को कैच थमाया। दीपक चहर ने 6वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को धोनी के हाथों में थमाया। इसके बाद मुस्तफिजुर ने 12वें ओवर में कोहली और कैमरन ग्रीन का शिकार किया, जिससे आरसीबी की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। आरसीबी ने 78 रन पर 5 अहम विकेट गंवा दिए। ऐसे में रावत और कार्तिक ने बखूबी मोर्चा संभाला। यहां साझेदारी पारी की आखिरी गेंद पर रावत के रन आउट होने पर टूटी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्रिकेट के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।